क्या आपके फेस पर छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स है, डार्क टाइनी स्पॉट्स है? क्या आप फ्रेकल की वजह से परेशान है और उसे ट्रीट करना भी चाहते हैं? तो ये वीडियो जरूर आपके लिए ही है। हेलो, मैं डॉक्टर धनंजय चौहान, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, क्लियर स्किन एंड हेयर MD, पुणे। दोस्तों, आपके फेस पर यूजुअली जो टाइनी ब्राउन स्पॉट का क्लस्टर तैयार हो जाता है, स्पेशली हमारे चिक्स पे, उसे हम फ्रेकल्स कहते हैं। यह एक टैन की तरह ही होता है, ये मोल की तरह, लेकिन रेज नहीं रहता, ऊपर नहीं आ जाता, ये फ्लैट ही होता है। ये पेनफुल और हार्मफुल तो नहीं है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले। तो आइए डिस्कस करते हैं फ्रेकल्स के बारे में। फ्रेकल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और उन्हें कैसे ट्रीट किया जा सकता है, उसके बारे में ब्रीफ में हम देखेंगे। वैसे तो फ्रेकल वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा कॉमन है, यानी कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के स्किन में ये बहुत कॉमन होता है। लेकिन कुछ लोगों को, इवन इंडिया में लाइटर स्किन टोन वाले लोगों में, स्पेशली फीमेल्स में, ये फ्रेकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्रेकल्स को कई बार मेलानिन के साथ कंपेयर किया जाता है। जब आपके बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, तब आपके स्किन पर डार्क कलर के ये फ्रेकल्स के छोटे छोटे पैचेस आने लगते हैं। ज़्यादातर ये सन एक्सपोज्ड या जेनेटिक या फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन की वजह से होते हैं। जो लोग फेयर होते हैं, जिन लोगों का रंग गोरा होता है, उनमें ये बहुत कॉमन है, क्योंकि उनकी स्किन सनबर्न या टैन के लिए, टैनिंग के लिए ज़्यादा प्रोन रहती है। इवन 1-2 साल के बच्चों में भी फ्रेकल्स दिखाई देते हैं। फ्रेकल्स मोस्टली एक ही कलर के होते हैं, लेकिन कभी कभी इनका कलर थोड़ा फार वेरी होता है, कुछ ज़्यादा डार्क या कुछ थोड़े ब्राउन रहते हैं। धूप में जाने के बाद और भी ज़्यादा ये फ्रेकल्स डार्क होते हैं। देखिए, फ्रेकल्स के 2 टाइप होते हैं। एक इसको टेक्निकल नेम इफिलीड्स और सोलर लेंटिजेंस वगैरह। तो पहला टाइप इफिलीड्स है, ये थोड़ा सा ध्यान आने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये बहुत ही छोटे छोटे स्पॉट होते हैं, ये यूजुअली 1 से 2 मिलीमीटर के होते हैं। ये स्लाइटली रेडिश या लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। ये मोस्टली समर में आते हैं या जहाँ ज़्यादा सन एक्सपोजर होता है, ऐसी जगह। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से होते हैं। जिन लोगों के थोड़ा रेडिश बाल होते हैं या जिनकी आंखें लाइट या लाइट ब्राइट होती है, उनमें ये स्पॉट्स ज़्यादा दिखते हैं। इंडियन पॉपुलेशन में ये यूजुअली नहीं दिखाई देते। फ्रेकल्स का दूसरा टाइप है सोलर लेंटिजन, ये थोड़े बड़े स्पॉट होते हैं। ये मोस्टली प्रीवियस सन डैमेज या सनबर्न की जगह आते हैं। ये फ्रेकल्स कॉमन फ्रेकल्स से थोड़े से डार्कर होते हैं या ब्राउन होते हैं, और ये विंटर में भी फेड नहीं होते। इन्हें कभी कभी लिवर स्पॉट्स या एज स्पॉट्स भी कहा जाता है। देखिए, फ्रेकल्स कोई भी हार्मफुल बीमारी नहीं है, लेकिन कॉस्मेटिकली डिस्टर्ब करती है। इससे आपको कोई भी हार्म नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से कुछ लोगों का सेल्फ इस्टीम अफेक्ट हो सकता है। वो आपके खुद के बारे में थोड़ा सा लो फील करने लगते हैं। वो अपने अपीयरेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ऐसे केसेस में उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो आइए देखते हैं कि फ्रेकल्स को कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। हाउ टू ट्रीट फ्रेकल्स। देखिए, फ्रेकल्स को ट्रीट करने के लिए या उनका अपीयरेंस कम करने के लिए मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। फ्रेकल्स को ट्रीट करने से पहले डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी स्किन की जांच करेंगे। वो आपके फ्रेकल्स की सीवियरिटी देखते हैं, उसके हिसाब से आपको पर्सनलाइज आपकी ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब की जाती है। यह ट्रीटमेंट आपके फ्रेकल्स का टाइप और डार्कनेस पर भी थोड़ी डिपेंड करती है। मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कि कुछ टॉपिकल क्रीम्स, रेटिनॉइड्स या लेज़र, क्रायोथेरेपी या केमिकल पील जैसे प्रोसीजर हम करते हैं, जिसका इस्तेमाल फ्रेकल्स को ठीक करने के लिए कॉमनली किया जाता है। तो आइए इन ट्रीटमेंट को और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है जिसमें फ्रेकल्स और पिगमेंटेशन को कम करने के लिए अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यानी TCA,
फिनॉल और अलग अलग एसिड पिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा ट्रीटमेंट है टॉपिकल क्रीम्स। फ्रेफकल को ट्रीट करने के लिए हाइड्रोक्विनोन कंटेनिंग स्किन लाइटनिंग क्रीम का भी कभी कभी हम इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी फ्रेकल्स का अपीयरेंस कम करने के लिए रेटिनॉइड्स भी हम यूज करते हैं। तीसरा ट्रीटमेंट है मेडिकेटेड स्किन लाइटनिंग क्रीम। इनमें हाइड्रोक्विनोन कोजिक एसिड एर्बिटिन नाजलिक एसिड जैसे स्किन लाइटनिंग एजेंट होते हैं जिससे फ्रेकल को लाइट होने लगता है। फ्रेकल्स का वापस आना भी कुछ लोगों में कम होता है। हाइड्रोक्विनोन से मेलानिन का प्रोडक्शन कम होता है और स्किन के डार्कर एरियाज भी लाइटन होने लगते हैं। फ्रेकल्स के लिए ब्लीचिंग और फेडिंग क्रीम्स को भी कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। ये बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है, बहुत सारे लोगों में इफेक्टिव साबित होते हैं। और तो और यह आपको सन डैमेज से भी बचाती है। और चौथा ट्रीटमेंट है रेटिनॉइड्स। यह हार्मफुल यूवी रेज को कभी कभी एब्सॉर्ब करता है। एपिडर्मल स्किन सेल का टर्नओवर भी बढ़ता है। मेलानोसाइट और केराटिनोसाइट को स्टेबलाइज भी करता है और फ्रेकल को कम करने में मदद करता है। एक्सफोलिएशन भी करता है। यह फ्रेकल वापस आने से कुछ हद तक रोकता भी है। यह एक्यूमुलेटेड मेलानिन को स्किन सेल को एक्सफोलिएट करके रिमूव करता है और न्यू स्किन सेल्स की प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। रेटिनॉइड का इस्तेमाल यूजुअली ब्लीचिंग एजेंट ऐसे किया जाता है। फ्रेकल्स को लाइटन करने के लिए ट्रेटिनोइक एसिड टेजरोटीन और एडाफिलिन कंटेनिंग क्रीम का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन केयरफुली इन क्रीम का कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल करने से बहुत सारे लोगों में फ्रेकल्स कम होते हैं। पांचवा ट्रीटमेंट है केमिकल पिल। केमिकल पिल्स आपके स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं और स्किन के आउटर मोस्ट लेयर यानी कि डेड स्किन सेल्स को मेलानिन पिगमेंट के साथ निकालने में मदद करते हैं जिससे फ्रेकल्स का अपीयरेंस कुछ हद तक कम होता है और आपकी स्किन सॉफ्ट और स्मूथ बनती है। इन केमिकल पिल्स के भी तीन टाइप्स होते हैं जो पेनिट्रेशन के डेप्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि सुपरफिशियल, मीडियम डेप्थ और डीप केमिकल पील। फ्रेकल्स के लिए यूजुअली हम इंडियन लोगों में मीडियम डेप्थ पील का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें ग्लाइकोलिक या टीसीए ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मौजूद होते हैं जो स्किन के पिगमेंटेशन को कम करने के लिए भी मदद करते हैं। आपके फेस आर्म्स और हैंड्स पर जो कभी कभी फ्रेकल्स होते हैं उन्हें कम करने के लिए केमिकल पील काफ़ी इफेक्टिव होता है। लेकिन इससे टेम्पर रेडनेस इरिटेशन या थोड़ा सा क्रस्टिंग या स्वेलिंग भी होता है। इसके रिकवरी के लिए कभी कभी एक हफ्ता काफ़ी है या दो हफ्ते लगते हैं कभी कभी। इस ट्रीटमेंट के दौरान धूप में जाना थोड़ा सा अवॉइड या प्रोटेक्टेड करके धूप में जा सकते हैं। स्किन को हील करने के लिए आप टॉपिकल ऑइंटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर होम केयर यूज कर सकते हैं। क्रायोथेरेपी एक छठवां ट्रीटमेंट है, लेकिन एबनॉर्मल स्किन के लिए यानी ये पिगमेंटेड फ्रेकल सेल्स को फ्रीज करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन को का इस्तेमाल करते हैं। इससे आपके फ्रेकल लीजन्स वाइट होने लगते हैं, उनके स्कैप भी तैयार होते हैं जो 7-8 दिन में गिर जाते हैं और आपकी स्किन पहले जैसे होने लगती है। ये बहुत प्रोसीजर एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही करना चाहिए। और तो और इसका रिकवरी पीरियड भी बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए अभी आउटडेटेड होने लगा है, जैसे कि पेन, स्वेलिंग, ब्लिस्टरिंग, ब्रूजिंग या टेम्पररी या कुछ केसेस में परमानेंट भी हाइपोपिगमेंटेशन सफेद हो सकता है, इसलिए अभी अवॉइड करते हैं। इन साइड इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए कोई भी ट्रीटमेंट से 2-4 हफ्ते के लिए पहले ही स्किन केयर लेना जरूरी होता है, स्किन प्रिपेयर करनी पड़ती है। अभी लेजर की ट्रीटमेंट। आपके डैमेज एरिया को टारगेट करने के लिए IPL यानी इंटेंस पल्स लाइट का इस्तेमाल हम करते हैं फ्रेकल्स के लिए, जिससे स्किन के अंदर जो माइक्रो वेसल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं और एपिडर्मल सेल्स में जो एक्सेस मेलानिन होता है वो भी कुछ हद तक डिस्ट्रॉय होता है और फ्रेकल्स का अपीयरेंस कम होने लगता है। अभी आठवां इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है क्यूस्विच इंडिया लेजर 1064 या 532 नैनोमीटर का। ये सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इससे बहुत एडवर्स इफेक्ट कम होते हैं। इस ट्रीटमेंट के लॉन्ग टर्म डैमेज भी इसका नहीं होता, लेकिन इसके टेम्पररी करने के बाद कुछ स्वेलिंग, रेडनेस, क्रस्टिंग, पीलिंग या टेम्पररी हाइपोपिगमेंटेशन कुछ लोगों में होता है, लेकिन बहुत सेफेस्ट ट्रीटमेंट है।
इन सारे ट्रीटमेंट्स का असर कुछ समय लगता है दिखने के लिए या कुछ एक दो सिटिंग लेनी पड़ते हैं। तो दोस्तों ये थे ट्रीटमेंट जिनका इस्तेमाल आप फ्रेकल्स ट्रीट करने के लिए कर सकते हैं डॉक्टर के पास। फ्रेकल के रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए होम केयर और ट्रीटमेंट के साथ कुछ प्रिकॉशन भी लेनी जरूरी है, सन प्रोटेक्शन लेना दे जरूरी। तो अब देखते हैं कि कैसे फ्रेकल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। सन एक्सपोजर की वजह से फ्रेकल्स एग्रीवेट होते हैं या रिकरेंस भी होता है, ये पहले ध्यान में रखिए। इसलिए हमेशा धूप में जाने से पहले 15 मिनट पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का इस्तेमाल SPF 30 विद PA ट्रिपल प्लस ये करना पड़ेगा। इवन आप घर में है तो भी दिन में कम से कम 3-4 बार सनस्क्रीन लगाना है और हर सीजन में इसका यूज करना है। लेकिन हो सके तो धूप में ज्यादा समय तक बाहर रहना अवॉइड कीजिए ये ट्रीटमेंट की है तब। स्किन को सन से प्रोटेक्ट करने वाले कैप, हैट, स्कार्फ, स्ट्रोल, अम्ब्रेला ऐसे यूज करो थोड़े दिन के लिए। हेल्दी और बैलेंस डाइट लीजिए। अपने डाइट में विटामिन सी इनकॉर्पोरेट कीजिए। विटामिन रिच फूड जैसे कि साइट्रस फूड, कीवी, स्पिनेच का ये विटामिन सी मेलानिन के प्रोडक्शन को तो इनहिबिट करने में मदद करता है और फ्रेकल्स को कम करने में भी मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट भी, चाहे आप विटामिन सी के सप्लीमेंट भी कभी कभी ले सकते हो। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के साथ आप ये सब कुछ डिस्कस करो। देखिए इससे आपको कुछ तो मन चाहिए इन्फॉर्मेशन मिली होगी फ्रेकल्स के बारे में। इसके बारे में और कोई भी सवाल है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमें पूछ सकते हो। मैं और मेरी टीम आपके सवालों का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। भाइयों और बहनों ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसलिए कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट करने से पहले या मेडिकेशन लेने से पहले अपने नज़दीकी स्किन स्पेशलिस्ट को जरूर कंसल्ट कीजिए। दोस्तों फ्रेकल्स कोई भी हार्मफुल स्किन कंडीशन नहीं है, लेकिन इसे इग्नोर भी मत कीजिए। अगर आपके फ्रेकल्स बार बार वापस आते हैं और आप उससे परेशान है तो जल्द से जल्द नजदीक वाले डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके उसे कंसल्ट कीजिए। आपके डॉक्टर ने जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए है उन्हें अच्छी तरह से फॉलो कीजिए, सही प्रिकॉशन लीजिए, अपनी स्किन को क्लीन रखने के लिए सही प्रिकॉशन ले लीजिए। धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए। फ्रेकल्स को ट्रीटमेंट और प्रोटेक्शन में सनस्क्रीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये जानिए। सही ट्रीटमेंट और प्रोटेक्शन के साथ फ्रेकल्स से छुटकारा पाकर आपकी स्किन बहुत बढ़िया बना सकती है, स्पॉटलेस बना सकती है। और ऐसी स्किन के साथ आपको जो हैप्पीनेस मिलेगा, हेल्दी स्किन मिलेगी, उसका आनंद आप जरूर ले लीजिए। ऑल द बेस्ट। फ्रेकल्स आर ट्रीटेबल, प्रिवेंटेबल, डू द ट्रीटमेंट। ऑल द बेस्ट।